Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद आपका दोस्त आपका भाई आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो जो आपके लिए हर रोज हम पेश करते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें संभालता और हमें बरकत देता है। आप कैसे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आइए हम आपको बताते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल इंटरनेट पे भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट है जी www.bibletvglobal.com। इसके अलावा आप इसे स्मार्ट टीवी पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, एप्पल टीवी पे ये मौजूद है, अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं, जादू बॉक्स है और इसके अलावा जितने भी आईपीटीवी बॉक्सेस हैं उन पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल को देख सकते हैं। और आपके पास जो मोबाइल है उस पर आप फ्री ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और जहां पर भी आप हों घर से बाहर घर पर आप इसको किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पे और फेसबुक पर लाइव ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बाइबल टीवी ग्लोबल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे बरकत पा रहे होंगे। खुद भी देखिए अपने दोस्तों अजीजों को भी बताइए क्योंकि ये ब्रेकफास्ट शो है इसलिए चाय जो है वो भी बड़ी जरूरी है। आप भी अपनी चाय ले लें और हमारे साथ इस प्रोग्राम को आप इसमें शामिल हुए बल्कि तो आइए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हुए इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और खुदाम की तमजीद करेंगे खुदाम की सताइश करेंगे खुदाम का पाक कलाम हम सब मिलकर सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बरकत पाएंगे। वो लोग जो कि फेसबुक पर हमारे साथ शामिल होते हैं उनके लिए खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम के शुरू में मैं जबूर 84 जो है उसको तिलावत करना चाहूंगा। साम 84 सुबह सवेरे जबूर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आइए खुदाम के पाक कलाम में से ये जबूर तिलावत करते हैं। वैसे भी ये बड़ा खूबसूरत जबूर है पंजाबी में और खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू मेरा तन मेरा मन भी करता सना है। आइए खुदा की सना करें उसकी तारीफ करें। आए लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है बल्कि गुदाज वो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा तेरे मजबूहों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुवत तुझ से है जिसके दिल में सय्यून की शाहराहें हैं वो वादी बुका से गुजर कर से चश्मों की जगह बना लेते हैं बल्कि पहली बारिश से बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं उनमें से हर एक सय्यून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। आए खुदावन लश्करों के खुदा मेरी दुआ सुन आए याकूब के खुदा कान लगा आए खुदा हमारी सिपर देख और अपने ममसू के चेहरे पर नजर कर क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा।
क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा और रास्त रोज से कोई नेमत बाज न रखेगा। आई लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। लश्करों के खुदावन, पैरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू जिंदगी का सब चश्मा है। प्यारे खुदावन, तू जो हमें संभालता है, हमारा पालनहार है, हमारा परवरदिगार है, हम तेरी सारी नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। अरे जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, हम मिन्नत करते हैं कि तू जो हर कदम पर हमारे साथ है, खुदावन आज का तमाम दिन तू हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमा। अभी है खुदावन जब हम तेरे पाक कलाम को सुनते और सुनाते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, अपने लोगों के साथ होना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजो, मैं एक टेक्स्ट जो है उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये बड़ी ही खूबसूरत डिवोशनल जो मेरी फेवरेट बुक है वो मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। और ये खुदा के बड़े अजीम खादम है डेविड जर्माया, ये उनकी बुक है नेम सेंचुरी, और इसमें जो डिवोशनल मैसेजेस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम इनको थोड़ी देर के लिए देखें इन अल्फाज को। आज 30 दिसंबर है और इस हवाले से ये जो पूरे साल का ये डिवोशनल ये टेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। साम 46 वर्स 1, गॉड इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। गॉड इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। रिफ्लेक्शन है, God is not just present, He is very present. It is like you telling a good friend you are available to help them if they need you. Oh, I hate to bother you, they reply. No, you counter. I'm very much available for you. Just let me know when you are. You're saying, I am very ever available. And that is how God is for us. He's the most accessible help we could ever imagine. The world for trouble could be rendered as a tight place. God is ever present to help us in the tight places we get into in life. When we are between a rock and a hard place, if someone is ever present, it means they are easy to be found. We don't have to go looking for them. In fact, we can't. We are stuck in a tight place. The reason God is always with us, even in our tight places, is because of what He told Moses in Exodus 33 verse 40. My presence will go with you. So when we are struck and can't move, God is there because He is always with us. Thanks be to God for this precious word of God. God is with us. Indeed, He is with us in our tough moment. In our difficult situation, most of the time we complain, where is God? God is always with us. Especially on this Christmas,
when we were thinking about the name of God, his name is Emmanuel. Translation of this name is God is with us. In these days when we are going through a difficult situation due to this COVID-19, we need to be confident that in your darkest moment, in this tight situation, when people are hopeless and helpless, as a Christian, we need to carry such hope. We need to be confident. We need to give him thanks for his wonderful promises, because he said, I'll be with you till the end of the world. He's faithful God. It's a beautiful hymn. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. His faithfulness is great because our God is great. He's not only the mighty God. There's so many God and goddess in this world. But our God is almighty God. There is none like him. So give him thanks that our God is with us. Today, I'm going to talk about a very special subject. As we were talking about the repentance yesterday, that was our theme. And we were discussing about the parable of the tree which was not producing fruit. And the owner of that tree was very disappointed. The Gospel of Luke, chapter 11. Today, there's another challenge in front of us. The time is passing very fast. Time is not waiting for us. How we need to be careful where we are spending our time, how we are spending our time, and we need to be very wise about the time. Let us go to the word of God. And brother and sister, as I said that in the beginning of this year, coming year, I'm talking about 2021, we'll talk about different things. We'll talk about the character building. We talk about personal growth. Is aane aane wale saal mein, 2021 mein, hum is baat par gaur karenge ki hum kaise grow kar sakte hain, ruhani taur par hum kaise aage badh sakte hain. Aur main chahunga ki aap baqaidgi ke saath aap is program ka hissa bane. It's my request. You will be blessed by the coming days when we'll talk about the personal growth. We are all concerned about our growth, physical growth and the spiritual growth. They are both very important. Aye khudam ke paaklaam mein is vid ko dekhte hain. Wise ki kitab hai, uska teesra baab, uski pehli ayat se lekar 11 आयात तक. खुदा के पाक कलाम को सुनिए. वाइज की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली 11 आयात. अभी बाइबल मुकद्दस को ले लें और खोले मेरे साथ इस बिल्कुल. वाइज की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है. पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है. दख लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है. मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है. ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है.
रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है, हम अहोशी का एक वक्त है और हम अहोशी से बाज रहने का एक वक्त है, हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है, रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है, फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है, चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है, मोहब्बत का एक वक्त है और दावत का एक वक्त है, जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है, काम करने वाले को से जिससे में वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है, मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला रहे, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागजीन किया, इसलिए इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। जीजो आइए हम दुआ मांगें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के लिए, उनकी बरकत चाहें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत पाक कलाम के लिए। ऐ कदूस पाक खुदा, इस वक्त हम तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं ताकि खुदा तेरी रहनुमाई में हम तेरे पाक कलाम को समझ सके, हमें बड़ी अकल और दानिश और फहम अता फरमा यीशु के कादर नाम में, आमीन। वक्त क्या है? वक्त एक कमोडिटी है, एक असासा है, बहुत कीमती है। वक्त खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। वक्त के हवाले से हम ये देखते हैं कि ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। Who is the origin of this time? खुदा ने दुनिया को बनाया। In the book of Genesis, we can see that God is the creator of this universe. He created day and night. He created sun and moon and all the galaxies. God is the creator of this time. खुदावन ने जमानों को तकसीम किया, खुदावन ने महीनों को बनाया, दिनों को बनाया ताकि हम वक्त को जान सके। अब इसमें यह खूबसूरत बात भी हम देखते हैं कि अगरचे खुदावन ने वक्त को बनाया, वक्त को तरतीब दिया, खुदावन ने तमाम कायनात को बनाया, और जब हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने रोशनी को बनाया, खुदावन ने दिन को बनाया, खुदावन ने तारीकी को बनाया, पदाइश का पहला बाब और उसकी 14 आयत में हम इस बात को देखते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। सो देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड दिस क्रिएशन, देयर वाज अ पर्पस ऑफ गॉड व्हेन ही क्रिएटेड ऑल दीज मून एंड स्टार एंड सन।
हम देखते हैं कि खुदा ने जब इन तमाम गैलेक्सीज को, तमाम चीजों को खल किया, उसके पीछे उसका एक मकसद था। इंसान वक्त की कैद में है। ये दिन, महीने, ये घंटे, ये सेकंड, ये सब इंसानों के लिए है। खुदा जिसने ये तमाम कायनात को बनाया, वो तमाम जबानों की कैद से आजाद है। There is no past, present, and future for God. God is everlasting. God is same yesterday, today, and forever. खुदावन के लिए ये कोई माने नहीं रखते, ये तमाम दिन, ये महीने। खुदावन अजली और अबदी है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। वक्त, जैसे मैंने कहा, एक असासा है। और हमने जो वाइस की किताब में इस बात को देखा कि खुदा ने हर चीज का एक प्लान किया है, एक मंसूबा बनाया है, और इस तमाम मंसूबे में, इस तमाम प्लान में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद ने इंसान की निजात का भी मंसूबा बनाया, और खुदावंद के तय किए हुए इंतजाम के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, कैलेंडर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें मखलसी और रिहाई दी। गलतियों के चार बाब की चार आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो औरत से पैदा हुए और इस दुनिया में आए। हर एक चीज का एक वक्त है। खुदा के पाक कलाम में हमने इस बात को सीखा, हर चीज का एक मौका है, हर काम को जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए चीजों, जब हम एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं, हमें अपने वक्त को प्लान करना है। वक्त ऐसी खूबसूरत चीज है कि देखें, खुदावन ने गरीब को, अमीर को, अफ्रीकन को, एशियन को, अमेरिकन्स को, यूरोपियन को, सबको खुदावन ने एक जैसा वक्त दिया है। 24 आवर्स, 365 days in a year. These days, these hours are equally, these are equal for each and every person on this earth. But my point is how we are using these hours, this time. दो तरह से हम अपने वक्त को समझ सकते हैं। ये आप पर इन्हेसार है कि आप वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने इंसान को एक बड़ी खूबसूरत बरकत दी है, वो है फ्री विल ऑफ गॉड। आजाद मर्जी पर खुदा ने हमें पैदा किया। ये खुदा की तरफ से बड़ा एक जबरदस्त एक तोहफा है। हम मशीन नहीं है, हम रोबोट नहीं है। खुदावन ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है। And that was a problem in the garden of Eden. When Adam and Eve, they have abused that free will. खुदावन ने उनके सामने नेक और बद की पहचान का दृत रख दिया, उनको बता दिया कि बाग के हर दर का आप फल खा सकते हो, लेकिन इस दर का फल ना खाना। जिस दिन तुमने इसे खाया, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। That was the free will of God. और अजीजो, उन्होंने उस आजाद मर्जी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने वो फल, वो शजरे ममनू,
उस दरख्त में से वो फल खाया और खुदा की हजूरी से खारिज हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया कि खुदा जो है वो अजली और अबदी है, देयर वाज अ ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट ओनली द फ्री विल ऑफ गॉड बट द ग्रेस ऑफ गॉड वाज देयर। और वो क्या थी कि अगर वो उस शजरे ममनू में से जैसे उसमें से खाया और खुदा के हुजूर से खारिज हो गए, अगर वो हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से खा लेते तो फिर वो हमेशा तक खुदा से दूर हो जाते। खुदा ने फजल किया, ये कोई पनिशमेंट नहीं थी, दैट वॉज अ ग्रेस ऑफ गॉड कि खुदा ने उन्हें इस बाग से निकाल दिया और शोला जन तलवारों का पहरा जो है उसके गिर लगा दिया। कहीं ये ना हो कि इंसान इस दरख्त का फल खाए और हमेशा तक अबदी हलाकत में चला जाए। अगर खुदा उस टाइम को कंट्रोल ना करता, अगर इस बात को कंट्रोल ना करता तो शायद हम हमेशा तक खुदा से दूर हो जाते। लेकिन खुदावन ने इस बात का इलाज किया और अपने बेटे को भेजा और उसने हमें हमारे गुनाहों से मखलसी और रिहाई बख्शी। उस मारूसी गुनाह से उसने हमें रिहाई बख्शी और अब हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। वक्त के हवाले से मैं आपसे ये भी बात मानना चाहता हूं कि अपने वक्त की कदर करें। ज़बूर इस कहता है कि 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर में फिर भी फना। इंसान की उम्र 70 साल या 80 साल है, बड़ी कुवत हो 100 साल। तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। डॉक्टर बिली ग्राहम ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मौत दुनिया की अटल हकीकत है। ये अमीर को उसके लाखों में और गरीब को उसके चित्रों में ले जाती है। We are in a journey. We are moving towards the promised land. लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, खुदावन ने हमें ये हिकमत और दानिश बख्शी है कि हम इस वक्त का बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अजीजो, बहुत सारे लोग जो आपके वक्त की कदर नहीं करते, वो किल कर रहे हैं। अगर आप अपने दिनों को काउंट करना शुरू करें, अगर उनको गिनना शुरू करें, शायद किसी की उम्र 40 साल हो, 50 साल हो गई हो, 70 साल हो गई हो, आपने क्या खोया क्या पाया। इसने आइंदा आने वाले साल में इस बात को देखें, परखें, एक तरतीब बनाएं और थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करें। ट्राई टू रिकलेक्ट योर माइंड, हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम इन 2020। इस साल में, सन 2020 में आपने वक्त को कैसे बसर किया, कैसे इसको यूटिलाइज किया, किन किन लोगों ने आपका वक्त जाया किया। द पीपल दोज हु आर वेस्टिंग योर टाइम, दे आर एनिमी, दे नॉट योर फ्रेंड। वक्त एक बहुत बड़ा असासा है, वक्त दौलत है, वक्त जिंदगी है, वक्त सुकून है, इत्मीनान है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर यूजिंग योर टाइम। एंड इफ यू आर अलाउइंग द पीपल दे आर वेस्टिंग योर टाइम, इन फैक्ट दे आर किलिंग यू। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। आपने कितना वक्त टीवी के सामने बसर किया है, कितना वक्त आपने
टेलीफोन पर चैटिंग में सर्व किया है, कितना वक्त आपने अपने कंप्यूटर के सामने गुजारा है। दीज आर द क्वेश्चन आई एम लिविंग विद यू एंड व्हाट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। आने वाले साल में वही 365 दिन होंगे, इस साल में आपने क्या प्लान किया है। Where there is no vision, people will perish. जहां पर रोया नहीं होती लोग बेकैद होते हैं। अगर आपका कोई मंसूबा नहीं है, विजन नहीं है, फिर उस मंसूबे को बनाइए, उस विजन को तैयार कीजिए। खुदावन अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे खुदावन की पैदाइश पर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, खुदावन आ गए, चरनी में जन्म लिया। इसी तरह अजीजो खुदावन अपनी दूसरी आमद पर भी आ जाएंगे। शायद मैं और आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। वक्त की कदर कीजिए। कल जैसे कि हमने सीखा था कि खुदावन तो अमल करता है, वो कहता है कि एक साल और इसे रहने दे, अगर फला तो ठीक, नहीं तो काट डालना। अजीजो खुदावन इस दी हुई बरकत को, इसकी कदर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। और जब हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं, आइए आज हम इस बात को सोचें, परखें कि कहीं हम अपने वक्त को जाया तो नहीं कर रहे। कोई तो हमारे वक्त को जाया नहीं कर रहा। वक्त तो जैसे मैंने कहा एक जिंदगी है। टाइम इज लाइफ, टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है। आमतौर पर लोग कहते हैं जी किसी मिलना नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा जी, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। इसका मतलब यह है कि वक्त के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। टाइम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज मैंने क्या करना है, ये वक्त मैंने कैसे बसर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट योर टाइम, थिंक अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट योर प्लान्स, थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज। आपकी जिंदगी में सबसे अहम क्या है, इस पर गौर कीजिए। खुदा की इस बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा कीजिए। आइंदा आने वाले दिनों में, इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टूडे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमने अपने वक्त को कैसे प्लान करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी लर्न टूगेदर हाउ टू प्लान आवर डेज, वट वी कैन डू एंड वट वी कैन नॉट डू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So keep watching Bible TV Global and we'll learn together how to utilize our time, how to design our life, what are the important plans in our life. Kuch mansoobe aise hain jo ke hamare hain, jinko hum design karte hain, aur kuch plan khudaon ke hain jinko khudaon ne design kiya hai. इसको हम कहते हैं प्री डेस्टिनेशन नॉलेज ऑफ गॉड। खुदावन अपने इल्मे साबिक के मुताबिक उसे बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए तय की हुई हैं। वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल दीज प्लान्स एंड वी नीड टू वर्क ऑन दीज प्लान्स। हमें उन मनसूबों पर काम करने की जरूरत है, हमें उन मनसूबों को जानने की जरूरत है। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दीज प्लान्स। वी विल प्रे टू गॉड दैट ही विल हेल्प मी to find out all these plans in our lives. Without plan, you cannot move. Without time, you cannot work. So think carefully about your time and your plans in your life. It's my prayer for all of you
that may God give you wisdom. May the Holy Spirit guide you, inspire you, that you may work according to His plan. इंसान के मंसूबे जब तक वो जिंदा है उसको बड़े मंसूबे बनाता है, लेकिन सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, खाक में मिल जाते हैं। बड़े बड़े जीनियस लोग जो है वो कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, जिन्होंने खुदावन के प्लान को जाना ही नहीं, उसके मंसूबों को परखा ही नहीं, और आज वो मनो मिट्टी तले पड़े हुए हैं, मट्टी के तले वो अपने मंसूबों के साथ चले गए। इससे पहले कि हमारा ये वक्त आए, हम दूसरों के बारे में बड़ा सोचते हैं, उसको कोरोना हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, उसको फलां बीमारी लग गई है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसे मर जाना है, उसे चले जाना है, Who knows? इससे कब चले जाना है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, उसके मंसूबों को जानने की जरूरत है। मेरी ये दुआ है कि खुदावन हम सबको ये बरकत बख्शे कि हम खुदावन के मंसूबों को जान सके। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। खुदावन तूने इंसान को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ खलक किया। पर खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इन सारे मंसूबों के लिए, तेरे इन सारे प्लान्स के लिए। ऐ प्यारे खुदावन, हम दरख्वास्त करते हैं कि तुम इस कहा कि हम तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फिर सोते हैं खुदावन, जो भी हालात हैं इस COVID-19 की वजह से, खुदावन तमाम हालात में तो अपने लोगों को संभाल। अरे प्यारे खुदावन, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए, तमाम डॉक्टर नर्सिस के लिए, पॉलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने खानदानों के लिए, अजीज वकारब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम तो सबके साथ हो। यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज, कल मैं एक बात जो आपसे कर रहा था और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम उस बारे में भी बात करें। कल मैंने आपसे बात की थी कि हमें जरूरत है पाकिस्तान में अपने उन बहनों भाइयों की मदद करने की जो कि इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है। और मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि जैसे कि आपने अगर देखा हो कि मेरी जो वेबसाइट थी उस पर मैंने इस सारे सिलसिले को आपके लिए पेश किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सर्दी में जिनको हमारी मदद की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने गिफ्ट जो है वो बच्चों को भेजें। और ये मैंने जो सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है अभी मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लेकर आया हूँ, तो आप इस पर इस बात को देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए कि मेरे पास अभी बहुत सारी डिटेल जो है वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जो कि अभी हमने क्रिसमस पर जो बच्चों की जो वहाँ पर उनकी हेल्प की, उनको डोनेशन दिया। तो कल जब हम बात कर रहे थे तो जो मेरे साथ जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। गुजरांवाला में हमारे जो दोस्त हैं जो कि मेरे मिशन पार्टनर भी आप कह लें कि जो मेरे साथ इस काम में सरगर्मी अमल है, उन्होंने क्रिसमस के मौका पर उन्होंने बच्चों के दरमियान जो है उन्होंने गिफ्ट जो है वो तकसीम किए, जिनमें सॉक्स हैं और इस तरह के जो स्कार्फ थे और ग्लव्स थे, स्वीट्स थी बच्चों को दी क्रिसमस से। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जरूरतमंद हैं, जो कि ब्रिक लेयर्स पे भट्टों पर जो लोग रहते हैं या स्लम्स में हैं। तो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप मेहरबानी करके जरूर उन बच्चों की हेल्प करें, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा तगोदो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पैकेट जो है एक बच्चे के लिए जिसपे ज्यादा ज्यादा कॉस्ट जो है वो 5 pounds आ रही है, इसमें एक पेयर ऑफ ग्लव्स है, पेयर ऑफ सॉक्स हैं, अगर आप जंपर देना चाहते हैं, स्वीट देना चाहते हैं, तो आप खुद एक पैकेट बनाइए और इस पैकेट को आप मुझे दे सकते हैं।
ये पैकेट जो है आप ड्रॉप कर सकते हैं, हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च, 309 विक्रेट फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। तो हमारी वेबसाइट भी है, उस पर भी आप इस बात को देख सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 00447189224। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने गिफ्ट जो है वो आप अगर खुद देना चाहते हैं या अगर आप पैसे देना चाहते हैं ताकि हम उनको खरीद कर बच्चों को भेज सकें, तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। £5 फॉर वन चाइल्ड विच इज अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर द न्यू ईयर। सर्दी के मौसम में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप जरूर अपने गिफ्ट जो है बच्चों को दें। और अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो मैं इसीलिए मैंने ये वेबसाइट जो है वो आपके लिए खोली थी, तो मैं उस पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी किसी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, इस ये एड्रेस है, इस एड्रेस को आप नोट कर लें। फोन नंबर भी है इस पे, एड्रेस भी है, ईमेल भी है, तो आप मुझसे रब्ता करें ताकि हम उन बच्चों की जो है वो मदद कर सके। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए डोनेशन के लिए तरीका का जो है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देखें कि इस ये इसमें बैंक डिटेल्स भी हैं और ये हमारे बैंक की डिटेल्स हैं, बाकला बैंक की, और ये सोशल हार्मोनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए और चैरिटी नंबर भी देखें। ये रजिस्टर्ड चैरिटी है हमारी जो कि यूके में रजिस्टर्ड है, और अगर आप टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो आप टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बात है बैंक की जो डिटेल्स हैं ये स्क्रीन पर आ रही हैं, तो आप बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग में से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ऑनलाइन जो तरीका है जिस पर आप ऑनलाइन भी जो है पे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले भी हमने जो काम किया उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते रहे। जब जब पाकिस्तान में हालात जो है खराब हुए तो हमने हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर अटेंड होने से वहां पर हमने एजिटेशन किया। अपने चर्च में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से हम कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं, जिसमें टीचर ट्रेनिंग है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये जब पाकिस्तान में फ्लड आया तो वहां पर हमने ब्लैंकेट दिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी भी कोरोना वायरस की वजह से हमने जो वहां पर कराची में, गुजर खान में, टेक्सला में, लाहौर में हमने जो वहां पर फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन की, कुछ तस्वीर में इसको अपडेट नहीं कर पाया अभी वेबसाइट पर, लेकिन वो तस्वीर हमारे पास मौजूद है, उसकी सारी अपडेट हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप ऑनलाइन जो पे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं और उस पर आप पे कर सकते हैं, और उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि डोनेट करने का, कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक पेज है डोनेशन का, और इस पर आप बाइबल टीवी के उस वेबसाइट पे जाएं और वहां पर आप ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, तो यहाँ पर आप जाएं और £5 अगर आपने देने हैं तो £5 आप इस पे क्लिक करके और फिर आप डोनेट का जो बटन उसको आप प्रेस करें, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे ये सारी डिटेल जो है वो आपकी आ जाएंगी पेपल की, तो वहां पर आप अपना जो है वो जैसे मेरी अभी डिटेल्स आ रही हैं इस तरह आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, तो उसमें आप पे करके तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं और आपका जो डोनेशन है वो हमारी जो चैरिटी है, क्योंकि बाइबल टीवी जो है ये भी शेडो के अंदर जो है काम कर रही है, सोशल हार्मोनी डेवलपमेंट के अंदर, और इसमें भी ये भी डिटेल्स हैं, इसमें भी आप जो अपने गिफ्ट भेज सकते हैं बाइबल टीवी के जो, इसमें आप मेरा नाम टाइप करके तो यहाँ पर आप ये जो सेटेंडर बैंक है वहां पर आप £5 जो है या £10 जो है वो आप अगर दो बच्चों करना चाहते हैं तो उसमें आप अपने गिफ्ट जो है ये डिटेल्स आ रही है। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी मुश्किल होगी कि जहाँ पर ये लिखा है ना द बाइबल टीवी, बजाय आपको मेरा नाम जो है वो टाइप करना पड़ेगा, रेवरेंड नोबल सैमुअल, और अकाउंट का हेड जो है वो डिफरेंट है, तो सेटेंडर्ड बैंक में आप इसमें ये पैसे जो है वो आप डोनेशन भेज सकते हैं। और ये एड्रेस जो है इस पर आप अगर चेक भेजना चाहते हैं तो ये एड्रेस जो है मेलिंग एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, 16 विक्रेट फार्म कोर्ट, विक्रेट फार्म रोड, हेस्टन, हंसलो, TW50DR। तो इस पर आप अपने चेक भी जो है वो भेज सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी भी हो इसको आप भेजें ताकि मैं जो एक कंसाइनमेंट है एक पार्सल बनाकर तो मैं वो भेज सकूं। तो मैं दोबारा आपको ये जो डिटेल्स हैं वो दिए दे रहा हूं,
फिर भी आप इसको आप जाकर तो वेबसाइट पे आप इसको अभी जब प्रोग्राम जब खत्म होता है तो आप इसको वहां से आप रीड कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है जिसकी तरीके से आप इन बच्चों को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस आइंदा आने वाले साल में अजीजों हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करने को हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें ताकि हम उन बच्चों के लिए उन लोगों के लिए सब मिलकर काम कर सकें। तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो और इस प्रोग्राम को आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं वो भी इस प्रोग्राम को देखें, और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको भेज सकें। तो प्लीज आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाइबल टीवी यूके या मेरा नाम जो है रेवरेंड नोबल सैमुअल, इन दोनों अकाउंट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अ फ्री सब्सक्रिप्शन, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट क्लिक दैट बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन और वहां पर आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आइए हम अपने सबको झुकाएं और कलमा की बरकत से हम खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और हमारे फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बरकत दे। जाते जाते मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज जो आज सुबह मैं देख रहा था कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा जो है हालात जो है मुश्किल हो रहे हैं और हम चर्च में सब मिलकर ये बात नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दिस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम। तो हम ऑनलाइन जो है सर्विस करेंगे रात को 11 बजे और उसमें प्रेयर एंड वर्शिप भी होगी, हम कलाम को भी सीखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डे की सर्विस है वो भी ऑनलाइन होगी। तो आप जरूर ऑनलाइन हमारे साथ जूम पर रहिएगा और फेसबुक लाइव भी होगा, बाइबल टीवी पर भी सर्विस जो है वो ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। तो चर्च में हम सर्विस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत टफ जो अभी सिचुएशन है और जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज है उसके मुताबिक ये है कि शायद कर्फ्यू जो है जो उसको उनको लगाना पड़े और टोटल लॉकडाउन हो जाए शायद। और क्योंकि अभी तक तो न्यूज यही है कि आज जो प्रेसिडेंट ने स्पीच करनी है, लेकिन तो मैंने सुबह न्यूज में देखा है कि लंदन जो है उसको लॉकडाउन करने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम सॉरी कि हम सर्विसेज जो है वो चर्च में नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन जूम पर ये तमाम सर्विसेज जो है होंगी न्यू ईयर की। सो खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू।